नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसमें समसामयिक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ ही आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आपका क्वेश्चन आज का ये है कि नई सरकार आने के पश्चात, जब सेंटर में केंद्र सरकार में जब नई सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसके बाद में प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे पहली विदेश यात्रा किस स्थान की गई, आपको इसका जवाब बताना है। लिख के बताना है कमेंट करके कि जब केंद्र में जब ये नई सरकार बनी दोबारा अभी, तो ये दोबारा बनने के बाद में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबसे पहली विदेश यात्रा किस देश की गई, इसका कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में जो राजस्थान है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सीएम कौन है, अशोक गहलोत। इनके द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई थी और वास्तव में बहुत शानदार योजना थी ये कि जिनके पास दवाइयां नहीं है उनको निशुल्क दवाइयों के रूप में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी। और अभी जो है हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जो जारी रैंकिंग की गई है उसमें यह योजना जो है यह शीर्ष स्थान पर रही है, प्रथम स्थान पर रही है। और इसमें अब तक जो थी वो कितनी दवाएं थी, 608 तरह की दवाइयां थी और अब 104 नई दवाइयां इसमें और शामिल करते हुए 712 दवाएं हैं जो कि दवाइयां हैं जो कि निःशुल्क दी जाती हैं। और इनमें जो कई गंभीर बीमारियां हैं जैसे मान लीजिए कैंसर है, तो इस तरह से कई गंभीर बीमारियों की भी दवाएँ हैं, तो कुल मिला करके 712 दवाएँ जो हैं ये दी जाती है निःशुल्क। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अभी हाल ही कौन सी विधानसभा है, 15वीं विधानसभा है, इसमें जो द्वितीय सत्र हुआ है अभी उसमें कितनी बैठकें थी, 21 बैठक, और कब से कब तक, 27 जून से 5 अगस्त 2019 तक 21 बैठकें की गई और 15 विधेयक जो हैं वो इसमें पारित किए गए, तो 15वीं विधानसभा और 15 विधेयक पारित। इसके साथ आपको एक क्वेश्चन बताना है, एक और क्वेश्चन है यहीं से बना है कि अभी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान के जेवलिन थ्रो के जो कि पैरा जेवलिन थ्रो में जो खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुजर, तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हम देखेंगे कई खिलाड़ी हैं, 19 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वो आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो उसमें राजस्थान से कौन है, सुंदर सिंह गुज्जर, कहाँ के हैं, करौली के, किस खेल से संबंधित, जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट जो है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 ये दिल्ली में दिए गए और इसमें राजस्थान से जुड़ी हुई 2 फिल्में ऐसी है जिन्हें अलग अलग जो इसमें अवार्ड की कैटेगरी होती है उसमें अवार्ड दिया गया है। पहली फिल्म है टर्टल। टर्टल क्या है, ये राजस्थानी फिल्म है जो कि पानी की समस्या पर आधारित यह फिल्म है राजस्थानी। निर्माता निर्देशक कौन है, जयपुर के अशोक चौधरी हैं ये निर्माता हैं और निर्देशक हैं दिनेश यादव। इसमें कलाकार कौन थे, तो मुख्य कलाकार हैं संजय मिश्रा, जाने पहचाने कलाकार हैं। अवार्ड कौन सा दिया गया इस मूवी को, टर्टल को, बेस्ट रीजनल फिल्म इन फीचर कैटेगरी। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें मुख्य रूप से 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया गया, एक क्वेश्चन ये बनता है, कौन सा अवार्ड इस फिल्म को दिया गया, बेस्ट रीजनल फिल्म इन पिक्चर कैटेगरी, बेस्ट रीजनल फिल्म क्षेत्रीय फिल्म में, और तीसरा कौन सी फिल्म को, तो फिल्म है टर्टल, और किस पर आधारित थी ये, तो पानी की समस्या पर आधारित।
नेक्स्ट ये देखिएगा, मछली कौन थे आप जानते हैं, रणथंभौर में जो सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर में लोकप्रिय बाघिन रही थी, कौन सी मछली। तो इस मछली पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है अभी, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर, ये मूवी है। इस मूवी को इसी अवार्ड में जो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2019 वितरित में है, उसमें बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म अवार्ड दिया गया है। किस फिल्म को? द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर। और ये है कि जो किस पे आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री, तो ये मछली पर आधारित है। और मछली कौन है? तो रणथंभौर का जो टाइगर रिजर्व है उसकी लोकप्रिय भागीन रही हुई है मछली। नेक्स्ट है 2019 का जमनालाल बाजार पुरस्कार, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं अभी मेरे, किसे दिया गया है? मोहम्मद इमरान खान, जो कि अलवर के शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इनका नाम है। मोहम्मद इमरान खान को 2019 का जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है, अलवर के शिक्षक हैं। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा यह घोषणा की गई, इनके द्वारा दिया जाता है। अगस्त 2019 में घोषणा की गई और अवार्ड दिया जाएगा 2 दिसंबर 2019 को, कहां पर? मुंबई में। और क्या है इस सम्मान में? 10 लाख नगद, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र। क्यों दिया गया है ये अवार्ड? विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए। तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल पुरस्कार, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए हैं। 29 अगस्त को इनका वितरण किया गया दिल्ली में, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, रामनाथ कोविंद जो हैं उनके द्वारा। देखिए इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, एक तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो कि कोच को दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो कि लास्ट 4 वर्षों में जो बेस्ट एथलीट रहे हैं, सर्वोच्च से सर्वोच्च, भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला खिलाड़ी को पुरस्कार भी कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये 2019 में दिया गया है, किसे है? बजरंग पूनिया, इन्हें मिला है कुश्ती में, और सुश्री दीपा मलिक, इन्हें मिला है पैरा एथलेटिक्स में। ये पहली पैरा एथलेटिक्स है जो महिला जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये दो खिलाड़ी हैं, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। इसके बाद में बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में, ये कोच को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, उन्हें दिया जाता है। एक तो है नियमित श्रेणी में और एक आता है लाइफ टाइम वाले में। तो नियमित श्रेणी में 3 जनों को मिला है, विमल कुमार, संदीप गुप्ता और मोहिंदर सिंह ढिल्लों। किस किस को? विमल कुमार जी को मिला है बैडमिंटन में, संदीप गुप्ता जी को मिला है टेबल टेनिस, और मोहिंदर सिंह ढिल्लों है इन्हें मिला है एथलेटिक्स में। और जीवन पर्यंत जो है लाइफ टाइम वाले, उसमें मर्जबान जी पटेल है इन्हें हॉकी में, राजवीर सिंह खोकर इन्हें कबड्डी में, और संजय भारद्वाज इन्हें मिला है क्रिकेट में। ये नाम आप 2-3 बार अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है याद करना। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार 2019। ये जो पिछले 4 वर्षों में खिलाड़ी जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो उन्हें दिया जाता है। इसमें 19 खिलाड़ियों को दिया गया है, एक खिलाड़ी में राजस्थान का आपको सुंदर सिंह गुर्जर है, उनके बारे में बता चुका हूँ। बाकी 18 खिलाड़ी भी हैं, उनके नाम की लिस्ट भी आपको बता देंगे, आप 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार नाम से परिचित हो जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार 2019, ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, किन्हें दिया जाता है? खेलों के विकास में जीवन पर्यंत योगदान देने वाले। देखिए इसमें जो ये अवार्ड होते हैं पुरस्कार, इनमें क्वेश्चन पूछने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो वो अवार्ड दिया किस क्षेत्र में जाता है, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो आपसे पूछ सकता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोच होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोच होते हैं, उन्हें दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है, देश का सर्वोच्च जो है स्पोर्ट्स में खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, खेल पुरस्कार। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019, ये काफ़ी हाल फिलहाल चर्चा में रहा है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी दिया इसे कहा जाता है। फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है वहाँ ये दिया गया। किसे? NDTV के जो जाने माने पत्रकार हैं रविश कुमार।
कुमार। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 रविश कुमार को, यहाँ से देख लीजिएगा, रमन रमन से रविश, रमन रविश, रविश कुमार को एशिया का नोबल पुरस्कार कहते हैं, इसे फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इन्हें गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन्होंने गिनी की यात्रा की थी, एक पश्चिम अफ्रीकी देश है गिनी, और यहाँ की जब ये यात्रा की तो यात्रा के दौरान वहाँ इन्हें यह अवार्ड दिया गया, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्यों? दोनों देशों के मध्य जो संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो पिछले कुछ इन 2-4 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। उसका लास्ट वीडियो जो है, एक 18 नंबर, इससे पहले का जो करंट का वीडियो है, उसमें आपको उन सारे अवार्ड के बारे में बताया है किस देश ने अवार्ड दिया है। लेकिन ये अवार्ड जो है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिला है, तो मिसमैच मत कर दीजिएगा इसको। नेक्स्ट आता है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र दिया गया है, ये देश का सर्वोच्च जो है उसमें 3रा नंबर आता है इस अवार्ड का, वीर चक्र का। तो 3रा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, सम्मान है। सबसे पहला कौन सा आता है? पहला है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, और 3रा जो है वीरता में उसका नाम आता है वीर चक्र। और ये किसे दिया गया है? ये विंग कमांडर अभिनंदन को दिया गया है। आप जानते हैं इनके बारे में, पूरा देश जानता है, और कुछ समय पहले के जो वीडियो हैं करंट के उनमें इनके बारे में और भी बताई गई है डिटेल, कौन सा इनका विमान था, मिग जो इनका विमान था सामने वाले को मार गिराया, पाकिस्तान में रहे फिर पाकिस्तान के द्वारा छोड़ा गया, वो सब आपको बता चुके हैं। ये अवार्ड आपको ध्यान में रखना है, वीर चक्र। नेक्स्ट आता है भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत का? तो वो है भारत रत्न। इस बार 3 व्यक्तियों को दिया गया है, 3 महापुरुष हैं। पहले हैं प्रणब मुखर्जी, ये 5वें राष्ट्रपति हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। इनसे पहले 4 राष्ट्रपतियों को भी मिल चुका है। इसके अलावा नानाजी देशमुख हैं, समाजसेवी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए थे, इन्हें यह अवार्ड। और 3रे हैं भूपेन हजारिका, असम के लोकप्रिय गायक हैं, सब आप जानते हैं इनके नाम से परिचित हैं, इन्हें यह अवार्ड जो दोनों का है ये मरणोपरांत दिया गया है। और प्रणब मुखर्जी जो हैं इन्हें भी अवार्ड दिया गया है, तो आप इनका नाम ध्यान में रखें, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है के सिवान से संबंधित हैं। देखिए अभी इनके नाम से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, और इनका नाम आते ही इनका फेस भी आपके सामने आ गया होगा, 100% आ गया होगा। कौन है ये? इसरो के प्रमुख हैं, और अभी चंद्रयान 2 से लेकर के आप सब जानते हैं हाल फिलहाल बहुत इसरो जो है काफ़ी चर्चा में रहा। लेकिन इससे कुछ दिन पहले अगस्त मंथ के आसपास जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया था के सिवान जी को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार। इनका पूरा नाम क्या है के सिवान जी का? कैलाश वादिवु सिवन। इन्हें यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और ये पुरस्कार शुरू कब हुआ था मिलना? तो ये 2015 में जब अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हुई थी, तो उनके निधन पर उस समय की जो तमिलनाडु की CM थी जयललिता, उनके द्वारा अब्दुल कलाम जी के नाम से ये पुरस्कार शुरू किया गया था, जो कि वहाँ रहने वाले लोग हैं तमिलनाडु में, वहाँ के किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया हो। तो के सिवन जी को यह अवार्ड दिया गया है, और इस बार 99.99% संभावना है कि इसरो से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएगा। और आगे जो समसामयिक के वीडियो आएंगे करंट में, उसमें चंद्रयान 2 से संबंधित चाहे इसरो से संबंधित कोई ना क्वेश्चन जो है वो आएगा जरूर, उसके बारे में बनाएंगे पूरा डिटेल में। और नेक्स्ट है एशिया का सर्वश्रेष्ठ जो महिला एथलीट का पुरस्कार है, एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो MC मैरीकॉम को दिया गया है, जो कि एक मुक्केबाज हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आगे भी हम इसी प्रकार से इनको पढ़ते रहेंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।